सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया और आज हमारे बीच में मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर परमानंद तोलानी, जो पिछले 30 सालों से निर्दलीय लोकसभा, विधानसभा और महापौर चुनाव लड़ रहे हैं। हम सर से जानते हैं उनके इस राजनीतिक सफर के बारे में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने चुनाव लड़ना कब से स्टार्ट किया? मैंने सन 1990 से चुनाव लड़ना चालू कर दिया जी। 1988 में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मेढाराम तोलानी एक्सपायर हो गए जी। इसके बाद से मैंने चुनाव लड़ने चालू करा और 1990 से लेकर लगातार मैं चुनाव लड़ता आ रहा हूँ और 8 लोकसभा, 8 विधानसभा, 1 महापौर और अभी वर्तमान में अभी मैंने अभी 22 तारीख को फिर लोकसभा का फॉर्म दाखिल किया है जी। अभी वर्तमान में प्रत्याशी हूँ मैं लोकसभा का। आपने चुनाव लड़ने की जो स्टार्टिंग की है, जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी भी चुनाव लड़ते थे, तो क्या मतलब आपके पिताजी को देखते हुए आपने चुनाव लड़ने की स्टार्टिंग मतलब कैसे की, क्या सोचकर आपने चुनाव लड़ना स्टार्ट किया? मेरे पापा भी करीब 30 साल चुनाव लड़े जी। तो पहले तो मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं होती थी जी। लेकिन जब पापा का 1988 में निधन हुआ जी, तो मैंने कहा एक चीजता हूँ, लड़के देखता हूँ क्यों लड़ते थे, उसका कारण क्या था उसके पीछे लड़ने का। तो चुनाव जब मैंने लड़ा तो मेरे को बड़ा आनंद आया चुनाव लड़ने में, मतलब इसका लगा कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ। हो सकता है कभी मैं जीत जाऊं जी। तो इस सिलसिला चलता रहा है, लड़ता रहा इसे लड़ना जी। आपने इस बार भी नामांकन दाखिल किया है, तो चुनाव की आपकी तैयारी कैसे चल रही है? चुनाव की तैयारी तो मैं घर घर जाकर प्रचार नहीं करता हूँ जी। मैं तो मीडिया के द्वारा और पत्रकारों के द्वारा जो इंटरव्यू आते हैं उसके द्वारा बस प्रचार चलता है मेरा, और मैं घर घर जाता नहीं हूँ और मेरे को मालूम है कि पब्लिक एक दिन मुझे जरूर जिताएगी। अच्छा, मतलब ये विश्वास है आपको कि पब्लिक जिताएगी? हाँ, एक दिन जरूर जिताएगी। घर घर जाते हैं, पैसा खर्चा होता है और पैसा बहुत लगता है कि आज का चुनाव बहुत महंगा है और ये चुनाव बहुत अमीरों का चुनाव हो गया, गरीबों का चुनाव नहीं रहा, उसमें लाखों रुपए लगते हैं, वो मेरे पास है नहीं कि मैं इतना पैसा खर्चा करूँ। अच्छा, आपने इतनी बार चुनाव लड़ा है तो ऐसा अभी तक कितनी बार हुआ होगा कि आपकी जमानत जब्त हुई हो चुनाव में? मेरी तो 1990 से लेकर अभी तक जमानत जब्त हुई है, एक बार भी जमानत बची नहीं मेरी जी। और मेरे पापा की भी जमानत हर बार जब्त हुई है। अच्छा, तो मतलब फादर, आप कुछ बता सकते हैं कि फादर की आपकी कितनी बार जमानत जब्त हुई होगी या उन्होंने इतने साल चुनाव लड़ा तो क्या हुआ होगा? नहीं, पापा के बारे में सबको मैं नहीं बता सकता हूँ कितनी जमानत जब्त हुई है जी। बाकी मेरी तो 17 बार जमानत जब्त हो चुकी है। आपके पिताजी का भी यही था कि वो भी ऐसे ही प्रचार करते थे, घर घर नहीं जाते थे? नहीं, वो भी नहीं जाते थे घर। अच्छा, ऐसे ही उनका नामांकन दाखिल करते थे वो। अच्छा, जमानत जब्त होती है तो कैसा फील होता है, मतलब कुछ लगता होगा ना अंदर से कि यार जमानत जब्त हो गई है? जमानत जब मैंने पहले चुनाव लड़ा था 1990 में जी, तो मेरा बड़ा दुख हुआ था, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी चुनाव में, मतलब मेरे को बहुत कम वोट मिले थे और मेरे को ये लगा कि मेरे को ऐसा लग रहा था पहले चुनाव में जीतूंगा जी। लेकिन मेरी जो जमानत जब्त हुई तो इसके बाद तो महसूस ही नहीं होता, तो आदत पड़ गई। अच्छा, इतने साल आपने चुनाव लड़ा, राजनीति में आप रहे और हैं, अभी भी हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ होगा आपको इस राजनीति का? राजनीति का एक्सपीरियंस क्या है, जो पब्लिक है एक्चुअल में भेड़ चाल चलती है जी। जैसे एक भेड़ चली तो उसकी पीछे सब भेड़ चलती जाती है, तो पब्लिक भी क्या है कि अगर जैसे मोदी फैक्टर चला तो सब मोदी जी को वोट देना है, सुमित्रा महाजन 4.5 लाख वोट से जीत गई, तो पब्लिक एक ही तरफ चलती है। तो मेरे को मालूम है एक ना एक दिन मेरा दिन भी आएगा, आज सुमित्रा महाजन मैदान में नहीं है तो मुझे विश्वास है कि इस बार पब्लिक मुझे जरूर जिताएगी। मतलब आप पक्का इस उम्मीद में बैठे हैं कि पब्लिक इस बार आपको पूरा सपोर्ट करेगी? जीतूंगा जी। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप जीते। घमासान.com में हम आपको मिलाते रहेंगे और भी ऐसे ही लोगों से, तो देखते रहिए घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।